हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छाया पंचाल्स किचन। आज मैंने आम का मीठा अचार बनाया है। देखिए, बहुत ही यमी और टेस्टी बना है ये। गुड़ वाला अचार जो हम बाहर से लाते हैं, होममेड अचार बनाया है। घर पे बनाने से इसकी क्वांटिटी हम अपने हिसाब से बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए हम शुरू करेंगे अचार बनाने की रेसिपी। नई रेसिपी देखने के लिए छाया किचन को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको नई रेसिपी देखने को मिले। तो अचार बनाने के लिए मैंने राजापुरी कैरी ली है। आप इसे छील भी सकते हैं या फिर मेरी तरह छिलके के साथ ही आप इसे कट कर लीजिए। इसको कट कर लेना है। हमें ध्यान रखना है, ये कैरी आम हार्ड होते हैं, तो इसे हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। एकदम छोटे पीस नहीं करने हैं हमें, थोड़े से बड़ी साइज के रखने हैं, क्योंकि ये फिर गल जाएगी। ये देखिए, मैंने एक आम के कट कर लिए हैं, मीडियम साइज के मैंने कट्स किए हैं। तो अब हम इसे एक बर्तन में ले लेंगे और अब हम इसमें इसको मैरिनेट करने रखेंगे। इसको हमें हल्दी और नमक में डुबो के रखना है। तो इसके लिए मैं एक चम्मच हल्दी डालूंगी और टेस्ट के हिसाब से नमक, यानी कि 1.5 चम्मच जितना मैं नमक ऐड करूंगी। और इसे हमें हाथ से नहीं मिक्स करना है, इसे ऐसे ही ऊपर नीचे कर लेना है और फिर ढक के रख देना है। 4 से 6 घंटे तक हमें इसे ऐसे ही नमक और हल्दी में डुबो के रखना है, जिससे आम का पानी निकलेगा और ये बहुत अच्छे से भीग जाएंगे। तो ढक के रख देंगे हम। देखिए, 5 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं आम का कितना पानी निकला है। नमक के साथ घुलने से आम का एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। हम इस पानी को, खट्टे पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे दूसरे अचार में हमें इससे हेल्प रहेगी। अब हम इसको छेद वाले बर्तन में निकाल लेंगे। ऐसे कटोरा रख के उसके ऊपर ऐसे बर्तन रख के ये सारा पानी निकाल लेंगे और ये आम को हमें पंखे के नीचे नहीं सुखाना है, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे हमें सुखाना है इसको 3 से 4 घंटे तक। देखिए, बहुत अच्छे से ये भीग चुकी है, सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा एक बिछा के रखा है, तो कपड़े पे हम आम को ऐसे रख देंगे। ध्यान रहे, हमें इसे धूप में या पंखे के नीचे नहीं सुखाना है, वरना हमारी आम ड्राई हो जाएगी बहुत ही और हार्ड हो जाएगी। इसे हमें सॉफ्ट ही रखना है, तो इसे रूम टेम्परेचर पे रखना है। देखिए, 4 घंटे हो चुके हैं और आम बहुत अच्छे से सूख चुके हैं, इसमें पानी नहीं रहा है अब। तो अब ये अचार के लिए रेडी है। तो अब हम प्रिपरेशन कर लेते हैं अचार की। तो उसके लिए मैंने ये 1 कप जितना ऑयल लिया है, मैंने सिंग तेल लिया है, आप चाहे तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों तेल से अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले हमें तेल को गर्म करना है। मैं एक कटोरी लूंगी और उसमें ये तेल ऐड कर लेंगे हम और इसे जब तक धुआं आए तब तक हमें इसे गर्म करना है। गर्म करने रख देंगे हम गैस पे। अब ये तेल गर्म हो चुका है, आप हाथ रख के ऊपर टेम्परेचर देख सकते हैं, गर्म धुआं आ रहा है। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे
और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक बर्तन में मैंने ये मसाला अचार मसाला जो बनाया है वो लेंगे। आप चाहे तो इसे क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं, उससे हमारा अचार का ग्रेवी बहुत ही अच्छा बनता है, पर मैं ऐसे ही ले रही हूँ। तो मैंने एक कप अचार का मसाला लिया है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये होममेड है। और अब ये इसके साथ में ये धाना के कुरिया ऐड कर रही हूँ, कोरिएंडर के छोटे पीसेस के क्रंचिस मिलते हैं वो, धाना कुरिया बोलते हैं इसे। 1/4 कप मैंने लिया है, 2 चम्मच मैंने सौंफ ली है, सौंफ ऐड कर देंगे। 8 से 10 मैंने ब्लैक पेपर लिया है, मरी बोलते हैं उसको, 8 से 10 लौंग लेंगे, उसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में मैंने 2 बड़े सूखी लाल मिर्च ली है, उसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि अचार मसाला में भी नमक है, तो नमक हमें ध्यान से डालना है। इन सब को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से हमें मसाला मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें गुड़ ऐड करूंगी। गुड़ को मैंने क्रश कर लिया है, हमें कट करके गुड़ नहीं लेना है। देखिए जितना अचार मसाला लिया है उससे थोड़ा ज़्यादा, यानी मैंने 1 कप अचार मसाला लिया था तो मैं 1 कप और ऊपर 1/4 कप जितना गुड़ ले रही हूँ। और उसको मैंने छन्नी से छीन लिया है, क्रश कर लिया है। कद्दूकस कर लेना है हमें गुड़ को, जिससे जल्दी से वो पिघल जाएगा। हाथों से हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें हमने जो आम कट करके रखे थे उसको मिक्स कर लेंगे और उसे भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर रखेंगे तो इसमें भी थोड़ा मॉइस्चर आ जाएगा। देखिए जब तक कि ऑयल गरम ठंडा होता है तब तक इसे ऐसे ही रहने देना है। तो अब हमारा ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तो ये ऑयल भी अब हम उसमें ऐड कर देंगे। और अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूसरा ऑयल ऐड करेंगे, पर इतने ऑयल से, 1 कप ऑयल से तो इसका हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको इसी मेज़रमेंट से सब लेना है, डबल करके या ट्रिपल करके। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और इसे 3 दिन के लिए हमें ऐसे ही ढक के रखना है और बीच बीच में इसे ऐसे मिक्स करते रहना है। तो हम देखेंगे 3 दिन के बाद में, तब तक मैं इसे ढक के रूम टेम्परेचर पे रख दूंगी। इसे हमें धूप में नहीं रखना है। तीन दिन हो चुके हैं और आप देखिए सारा तेल ऊपर आ चुका है ऑयल, और गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और हमारे आम भी एकदम गल चुके हैं। बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर भी आ रहा है और ग्रेवी भी इसकी अच्छी हुई है। तो ये हमारा आम का अचार रेडी है, हम इसे सर्व कर देते हैं। देखिए इसे आप रोटी पराठे या भाखरी के साथ खा सकते हैं और इसे आप पूरे साल तक स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका थिकनेस भी हुआ है और आम भी एकदम गल चुके हैं। बहुत ही टेस्टी अचार ट्रेडिशनल गुजराती रेसिपी के साथ ये रेडी है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।